तो सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। इस टाइम महम महा कोर्ट के अंदर और आपने एक फ्लैक्स दिखा था बार एसोसिएशन महम अनिश्चितकालीन धरना मुख्य मांग थाना बहु अकबरपुर को सब डिवीजन कोर्ट महम में जोड़ने बारे। अभी वो मामला की है, यहाँ पे बैठांगे, सबसे बातचीत करांगे। अब किस तरीके से कौन सा डिपार्टमेंट या क्या क्या चीज़ें अलग अलग कर दी और क्या मंशा से करी, अभी यहाँ के एडवोकेट्स का क्या कहना है। अनिश्चितकालीन धरना अक्सर ये धरने तब होते हैं जब कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए या कोई डिस्प्यूट हो जाए। अब ये धरना डायरेक्ट मेरे ख्याल से खट्टर साहब और अनिल विज के साथ सीधी लड़ाई है। क्यों है ये बात करांगे। आज तक मैं कभी कोर्टा में मैंने इस टाइप की वीडियो नहीं बनाई, पर हमारे जो न्यायपालिका का एक जो पार्ट है उनसे हम बैठ कर बात करांगे यहाँ पे। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। आज यो आपका अनिश्चितकालीन धरना है, कितने दिन से चल रहा है यहाँ पे? ये आज से हमारे धरने की शुरुआत हुई है। अच्छा, हाँ, अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। सरकार चाहे तो हम कल अगर मांग पूरी कर दे तो कल भी कर देंगे इसको कंक्लूड। ये डायरेक्ट खट्टर साहब से जुड़ा हुआ मामला है, अनिल विज से जुड़ा हुआ मामला है? ये जो मामला है मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं। जी जी जी। 2017 में एक नया पुलिस स्टेशन बनाया गया जिसमें हमारी सब डिवीजन के महम कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो बड़े गांव थे मदीना मोखरा निडाणा साथ में मुरादपुर टेकना, इन गांवों को उस पुलिस स्टेशन में जोड़ दिया गया जिसका नाम है थाना बहु अकबरपुर। ठीक है। और थाना बहु अकबरपुर की जो ज्यूरिडिक्शन है वो रोहतक कोर्ट के साथ अटैच कर दी गई है। अब इससे परेशानी क्या है, एक तो ये कि जो मदीना मोखरा के आदमी हैं उनकी सिविल लिटिगेशन आज भी महम है, उनको कोई सिविल का मुकदमा चाहिए तो महम आना पड़ेगा, उनका अगर कोई FIR हो गई तो उनको रोहतक जाना पड़ेगा, 2017 से पहले के उनके कोई क्रिमिनल केस अगर चल रहे हैं उसके लिए उनको महम कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा, 2017 के बाद का अगर कोई क्रिमिनल केस है उसके लिए उनको रोहतक अपीयर होना पड़ेगा। अब सपोज करो कि कोई FIR दर्ज हो गई है जी, और उसमें उसे बेल करानी है आदमी को जी, बेल के लिए उसको अपना जमानती देना है, जमानती के कागज निकलवाने के लिए उसको पहले महम आना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ से वो फर्द निकलवाएगा उसके बाद रोहतक जाएगा, वहाँ बेल करानी पड़ेगी, दो जगह धक्के खाने पड़ेंगे। और इसी चीज़ को लेते हुए पब्लिक एट लार्ज के वेलफेयर के लिए और साथ ही साथ इस चीज़ के लिए कि जो महम कॉन्स्टिट्यूएंसी जो महम सब डिवीज़न है उसके गांव की ज्यूरिडिक्शन महम कोर्ट के अंडर आनी चाहिए, इस चीज़ को लेके हमारा ये धरना प्रदर्शन है। देखो ये बात अब थोड़ा सा समझ में आई है कि अगर किसी ने एक यहाँ से अगर जमानत करनी तो पहले यहाँ पे आओ और फिर अपने कागज लेकर रोहतक कोर्ट में जाओ, जब जाके वो जमानत हो है। इससे देखो कोर्ट में गरीब आदमी ज़्यादा घूमे है, अमीर आदमी के तो उन्हें के लोग काम कर लें, गरीब आदमी की जो उम्र है ना वो किराए भाड़े में और तंगी में ही गुजरा है, और सुबह बैठा रहोगा यहाँ पे 9 बजे आओगा कोर्ट में और शाम तक कोर्ट में ही रहो है, कद बेचारा रो तक जावे है, कद उसकी परेशानियाँ कितनी हैं। और इससे परेशानी सिर्फ एक नहीं, दो दो जगह की परेशानियाँ हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ हमारे यहाँ पे सीनियर एडवोकेट है साथ में। सर नमस्कार। जी नमस्कार, कैसे हैं सर आप? बढ़िया, बिल्कुल। कई बार तो खबर चला है कि यहाँ पे जो इस टाइम एडवोकेट बैठे हैं उनके साथ परेशानियाँ ज़्यादा हैं, अभी जो है खबर चल रही है, और आगे आगे और भी यह परेशानी बढ़ेगी क्योंकि अनिश्चितकालीन वो नहीं लिख रखा है। सच में यू कितना लंबा चले मन माने एक साल भी चल जाएगा। ऑफ कोर्स, बिल्कुल चल सकता है। इसका कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला आपने? नहीं, बीच का रास्ता है ही नहीं कोई, दो ही बातें हैं जी, या तो कोई चीज गलत है जी या ठीक है, बीच की चीज हो नहीं सकती ना, दो ही बात होंगी, या गलत होगी या ठीक होगी, बीच की तो कोई हो नहीं सकती, मतलब कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती क्योंकि ये चीज ही गलत है असल में जी। थाना बहु अकबरपुर का एरिया बनाते समय जी लीगल ओपिनियन पुलिस महकमे ने ली ही नहीं जो जरूरी थी। ओके। उन्होंने ये देखना चाहिए था कि ये पुलिस स्टेशन जब हम क्रिएट करने लग रहे हैं नया पुलिस स्टेशन, कुछ गांव उन्होंने रोहतक के जोड़ लिए, कुछ महम के जोड़ लिए, कुछ इधर के कुछ उधर के, उन्होंने ये नहीं देखा कि भी इन लोगों की इसमें जो रहने वाले लोग हैं उनकी उनकी ज्यूरिडिक्शन कहाँ किस कोर्ट की है। तो ये बनाते समय उन्होंने कोई लीगल ओपिनियन नहीं ली, ऐसे ही ऐप एजेंडमेंट में उठा के बना दिया, जैसे पुलिस वाले केस बनाते हैं जी वैसे ही थाना बना दिया। कोई आपसे इस बारे में कोई चर्चा हुई नहीं? नहीं नहीं नहीं, हमसे क्या, पुलिस वालों ने मुझे लगता है कि अपने लीगल एक्सपर्ट से भी राय नहीं ली,
अगर वो लीगल एक्सपर्ट से राय लेते तो ये नौबत नहीं आती। और पिछले 5 साल से यानी 17 में बना है, 17 में जब ये बना उसी वक्त हमने एप्लीकेशन दी थी कि ये गलत हो गया है, ये टेक्निकली गलत है, ये रॉन्ग ऑर्डर है, इसको ठीक करो। और जब हमने डीसी साहब से मिले तो उन्होंने कह दिया कि ये कोर्ट करेगी। फिर यहाँ जब भी फिर हम सेशन जज से मिले, फिर जो इंस्पेक्टर जज आते हैं हर साल हाई कोर्ट के, हर बार हमने रिप्रेजेंट दी है जी करवाओ ये इलीगल ऑर्डर्स हैं, तो वो कहते हैं जी हाँ ठीक है आप भेजो, रिप्रेजेंट दोनों से भेज रहे हैं। पिछले 5 साल से लगे हुए हैं और पिछले 5 साल से इन गाँव के लोग सफ़र कर रहे हैं। हमें इस काज से कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला, लोगों का काज है। अब लोगों को इस कानूनी बारीकियों को नहीं पता, ठीक बात है, ये बारीकी हम बताते हैं उनको और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। एक इस महकमे से इस प्रोफेशन से जुड़े होने नाते हमारा फर्ज है कि हम लोगों को तकनीकी जानकारी दें कि भी आप लोगों के साथ ये सरकार ने गलत कर दिया, ठीक बात है। तो ये सरकार ने, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि बीच का रास्ता हो नहीं सकता, या तो गलत होगा या ठीक होगा, क्योंकि गलत है तो गलत ही रहेगा। इसको रॉन्ग ऑर्डर है, रॉन्ग ऑर्डर को उन्हें ठीक करना पड़ेगा जी। हमारे एक और सीनियर एडवोकेट हैं यहाँ पे, सर नमस्कार जी। नमस्कार, मैं इसको माइक यहाँ लगा देता हूँ। सिंपली मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि एक तो समस्या आई एक जमानत के लिए, पहले यहाँ से फर्द निकलवाओ फिर वहाँ पे जाओ, इसके अलावा और क्या क्या परेशानियां सामने आई? देखो समस्या अकेली एक जमानत करवाने से नहीं है जी, समस्या दो समस्या है कि जो लिटिगेंट हैं जिनके सिविल लिटिगेशन और क्रिमिनल लिटिगेशन, अब दोनों में उसको वकील हायर करना पड़ेगा। अब सिविल लिटिगेशन उसकी महम है तो उसको महम अलग वकील हायर करना पड़ेगा, ठीक है। और उसकी क्रिमिनल लिटिगेशन है उसकी रोहतक जाएगा वो, तो उसको रोहतक वकील हायर करना पड़ेगा। एक वकील दोनों जगह जाएगा तो डबल फीस लेगा, तो डायरेक्ट नुकसान ये उन लोगों को है जिनकी लिटिगेशन यहाँ महम चल रही है और रोहतक चल रही है जी। वकीलों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वकील तो महम वाले के पास आएंगे वो अपनी अलग फीस लेगा, रोहतक वाले के पास आएंगे वो अलग फीस लेगा, लेकिन सफरर कौन है? सफरर एक आम जनता सफरर है जो इतना सफर कर चुकी है 5 साल से, और उन सफरर को जो न्याय दिलवाना है वो हम वकीलों का कार्य है जी। हम सबसे पहले एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज को एक दिशा प्रदान करने वाले हैं जी, और हमारे साथ ही और हमारे साथ जो जुड़े हुए जो लिटिगेंट हैं उनके साथ ये अन्याय है, और इस अन्याय के खिलाफ हमने बार बार 5 2017 से लेकर आज हम 2024 में आ गए जी। हर साल जब भी इंस्पेक्टिंग जज दिल्ली चंडीगढ़ से हमारे पास आता है हर बार रिप्रेजेंटेशन देती हैं, हमारे इस एक सरकार का कोई मंत्री आता है, पीछे हमारे मंत्री आए थे यहाँ पे, कृषि मंत्री भी आए थे जी, दूसरे MLAs भी आए थे, उनको भी हमने स्पेशली ये रिप्रेजेंटेशन दी थी, और एक बार यहाँ पे आश्वासन दे के चले जाते हैं। हम अगर हम कोर्ट्स में देते हैं हाई कोर्ट्स में रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो वो ये कहते हैं जी दिस इज़ द वर्क ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार का काम है जी, हमारा काम नहीं है। सरकार के पास जाते हैं जी ये तो कोर्ट का काम है जी। अब ये बताएं कि ये जो लिटिगेंट्स हैं या हम हैं कहाँ रिप्रेजेंटेशन दें, जबकि हम दोनों दे चुके हैं जी, सरकार को भी दे चुके हैं और हाई कोर्ट के में के इंस्पेक्टिंग जज को भी दे चुके हैं। हमारे पास कोई रास्ता बचा ही नहीं था कि इन लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये धरने का रास्ता अपनाना पड़े जी। जब इतनी आपने इजीली बता दिया जो परेशान व्यक्ति है वो कोर्ट में रहा, उसको यहाँ का भी एडवोकेट करना पड़ेगा, वहाँ का भी एडवोकेट करना, परेशानी उसकी है, क्या इतनी इजी बात प्रशासन के समझ में नहीं आई? हाँ सिर्फ इतनी सी तो बात है जी, कोई बड़ी बात नहीं है जी। उन्होंने जो ये एक ऑर्डर के तहत इस थाना बनाया, उस थाने में मोखरा, मदीना, मुरादपुर, टेकना और निडाणा, जिसकी सिविल ज्यूरिडिक्शन महम की है, उसकी क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन रोहतक के साथ अटैच कर दी। अब जैसे सोनी जी ने बताया कि सिविल क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन में जब कोई बेल करवानी पड़ती है तो हमें उसके लिए प्रॉपर्टी प्रूफ देना पड़ता है, वो प्रॉपर्टी कहाँ से लेके आएंगे, कहाँ से निकलेगी, वो महम आएंगे पहले फिर वो रोहतक जाएंगे जी, तो बार बार उनको महम के रोहतक के चक्कर काटने पड़ते हैं, पूछता कोई नहीं जी। ये तो एक जस्ट लाइक एक डिक्टेटरशिप है कि हमने जो कर दिया वो करेक्ट है, ये बिल्कुल गलत ऑर्डर है और इससे जो नुकसान होने जा रहा है बोलता कोई नहीं जी, और वो बेचारे बोलने की हिम्मत भी नहीं रखते जो लिटिगेंट है, वो तो पहले से परेशान होते हैं, उनको क्या पता, वो तो 6 महीने में साल में, लेकिन ये समस्या आने वाले जो नया जो जनरेशन है उनको भी है,
और नए जो अब दूसरी एक समस्या और होगी जी, अब कल से या अगले हफ्ते से एक कोर्ट महम में और एस्टेब्लिश कर दी गई है। महम में एक कोर्ट और है? हाँ जी, दो सिविल कोर्ट, दो कोर्टें आ गई हैं महम में। अब लिटिगेशन तो कम हो रहा है, दो कोर्टें यहाँ बैठा दी गई हैं, वहाँ लिटिगेशन ज़्यादा है, वहाँ कोर्टें कम हैं। सबसे बड़ी समस्या भी यही है जी लोगों की कि यहाँ दो जजीज हो जाएंगे, लिटिगेशन कम है, यहाँ वाले जज के पास तो काम नहीं है, रोहतक वाले जज के पास एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। तो जहाँ एक्स्ट्रा काम होगा वहाँ न्याय भी जल्दी नहीं मिलेगा, केस प्रोलोंग होंगे। तो ये बहुत बड़ी एक सामाजिक समस्या है जी, और इस सामाजिक समस्या को एक वकील ही ऐसे एक वर्ग होता है जो आगे सरकार तक या समाज तक उस समस्या को उठाता है। जी 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 जी। जब आपने बताया कि भाई इतना इजी सी बात थी और यही किसी ने संज्ञान नहीं लिया और यह इतनी बड़ी समस्या होगी, तो आगे आगे समस्या किस स्तर पे बढ़ने की तैयारी में है? नहीं, आगे आगे समस्या पदर पे यही है जी कि वहाँ जो रोहतक जो लिटिगेशन बढ़ रहा है जी, वहाँ जजेस भी कम हैं, तो जो न्याय की जो प्रक्रिया है कि जस्टिस और स्लो हो जाएगी, वो और स्लो हो जाएगी जी। अब आपने अभी देखा होगा कि एक नोटिफिकेशन जारी किया है हाई कोर्ट ने कि जो 30 साल पुराने जो केसेस हैं उनको तो प्रायोरिटी दी जाएगी, और जो नए केसेस हैं उनको लंबा एडजन किया जाएगा। मतलब ये क्या प्रोसीजर है कि नए केसेस को पुराना कर दिया जाए फिर 30 साल के बाद उनको उठाया जाए? तो जस्टिस जो है, जस्टिस तुरंत मिलना चाहिए, जस्टिस जल्दी मिलना चाहिए, जस्टिस एट द डोर ऑफ पीपल्स मिलना चाहिए, यही तो जस्टिस है। अगर जस्टिस जो आज आपको मिल रहा है वो 30 साल के बाद मिल रहा है तो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं रह जाती जी। जस्टिस डिले, जस्टिस इज जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, वो इनजस्टिस में हो जाता है, वो इनजस्टिस हो जाता है जी। अगर कोई जस्टिस आज सपोज करो कि आज आपको भूख है और आप 12 बजे आपको भूख लगी और वो आज नहीं मिल रही, 4 दिन के बाद आपको खाना मिल रहा है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो वैल्यू लेस है जी। तो लोगों को जो राइट है उस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों को जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये धरने का रास्ता अपनाया है। अब आप धरने पे बैठ गए, आखिरी सवाल की तरफ है जी, तो अब इस धरने पे आम जो लोग आएंगे अपनी परेशानियों को लेकर, उनके साथ फिर उनका तो मामला ही खत्म होगा, उनकी सुनवाई होगी नहीं यहाँ पे फिर? यही तो बात है जी, जो आम लोग जो आए हैं, अब नए जो केस होंगे, सर मैं वही बता रहा था कि जैसे सोनी जी ने बताया था कि जो नए केसेस हैं, कुछ पुराने केसेस हैं जो 2017 से पहले जिसके जो भी क्रिमिनल केसेस है वो मैम चल रहे हैं उनके, जो 2017 के बाद के हैं वो रोहतक चले गए जी, और उनका कंप्रोमाइज हो जाता है। और यहाँ ये एक ऐसा इलाका है जहाँ 90% लोगों का कंप्रोमाइज हो जाता है कुछ समय के बाद, ठीक है, तो उस कंप्रोमाइज के लिए एक केस में तो उसको मैम आना पड़ेगा, एक केस में उसको रोहतक जाना पड़ेगा जी, वो बेचारा इन्हीं को चक्कर काटता रहता है। अब रोहतक जाएंगे तो मैंने जैसे पहले भी कहा था, महम जाएंगे हम या तो रोहतक का एडवोकेट अलग करेंगे, हमें हायर करेंगे तो हम डबल फीस लेंगे, आने जाने का खर्चा उनका बढ़ेगा। बिल्कुल, तो ये जो समस्या है वो बार बार हमें आके कहते हैं क्लाइंट्स, और हमने ये हमारा कोई वो वकीलों की कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अच्छी बात, हम तो वकील हो जाए कि एक रोहतक की फीस लगेगी, हमें नहीं मिलेगी तो दूसरे किसी वकील को, वकीलों को तो फायदा है, लेकिन आम आदमी को बहुत बड़ा नुकसान है। और उन आम आदमी की समस्या, आम आदमी के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये धरने का रास्ता अपनाया। इसके अलावा, इस रास्ते के अलावा हम वकीलों के पास और उन लोगों के पास जो पीछे जा रहे हैं, जो कहीं उनकी कोई सुनता ही नहीं, जो कुछ लिटिगेशन तो ऐसे हैं कि कुछ लिटिगेंट ऐसे हैं तो कहीं बात करने का सामर्थ्य ही नहीं रखते, डरे वो डरते हैं जी, उनको पता ही नहीं कहाँ कहा जाए, उनको तो अगर तहसीलदार के ऑफिस में भी जाना पड़ता है तो किसी न किसी की हेल्प लेकर बेचारे गिले लेके जाओ है, किसी न किसी को साथ लेके चलते हैं, खुद में तो हिम्मत ही नहीं होती। अब इसमें बहुत सारे लोग हैंडीकैप भी होंगे, मानसिक परेशान भी होंगे, वो कैसे धक्के खाएंगे, और बहुत सारे लोगों को इन टेक्निकल कमियों का पता भी नहीं है। अब आप उनको को भी तेरा काम अब रोहतक में करवा जाके, वो तो मानेगा नहीं ना जी, मेरे तो काम हटता ही होना है, उनके साथ फिर बहस होनी है। हाँ बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन उठाया कि एक केस उसका महम चल रहा है, एक रोहतक दूसरा उसके लिए, अब जब उसको ट्रांसफर करोगे रोहतक जाए तो तेरा केस वहाँ, ये रोहतक चला गया, अब तू रोहतक जा, और वो रोहतक जाएगा तो यूँ कहेगा जी आप ही चलो, हम लोग क्या कहेंगे जी, हमारे तो यहाँ केसेस 10 केसेस चल रहे हैं, हम आपके साथ रोहतक में जाएंगे, आप एक नया वकील करो। तो ये एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या है, कहीं ना कहीं आरोप वकीलों के ऊपर भी लगा, अब ये पैसे खाने का दूसरा धंधा टूट गया। हाँ ये बिल्कुल आपने सही कहा कि वो वकील कहते हैं जी हमने तो आपको हायर कर लिया, आप
अब तो भी चलो और वहाँ भी चलो, अब तो 1 लाख दे रखे हैं, अब उड़े भी चलो। ये टेक्निकल बात है जी, सारी लीगल बातें हैं। एक आम आदमी तो नहीं समझेगा इस आम आदमी नहीं समझता, यही तो मैं कहता हूँ जी कि आम आदमी नहीं समझता और आम आदमी की कोई सुनता भी नहीं। और ये आम समस्या है, ये हमारी पर्सनल समस्या नहीं है, ये आम जन समस्या है, एक आम सामाजिक समस्या है। और इस समस्या को समाधान के लिए हमने ये रास्ता चुना है, क्योंकि हमारे पास भी उस समस्या को समाधान करने के लिए हमने बार बार कोर्ट्स को, हाई कोर्ट्स को संज्ञान में दिल लेते रहे हैं, डीसी साहब को पर्सनली मिले हैं, मंत्रीज को पर्सनली मिले हैं, उनको हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, लेकिन हमारी समस्या का क्या, इस समाज की जो समस्या है उस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है। देखो भाई, यह है हमारी सरकार की समझदारी, और किस स्तर पर है भाई, या तो आम आदमी समझे। अब मैं कह तो कहूँ, चैनल चलाना नहीं, मैंने अभी अंदर ठोक दिया, मैं कुछ नहीं कहता इस बारे में, लेकिन नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, हमारे खट्टर साहब, हमारे अनिल विज साहब इस मामले में संज्ञान लें, नहीं तो नौकरी तो सरकार दे नहीं रही। नौकरी भी तो बहुत वीडियो बना ली, परेशान बहुत हो लिए भाई, लेकिन अब नौकरी नहीं तो न्याय की बात करा, न्याय में आम आदमी के ऊपर भार होगा इस बात का, या तो सरकार जिम्मेवारी ले भाई, थारे पीछे हम देवांगे, जिस वकील तक लड़ो लड़ लो, फिर तो मामला समझ में आवे। एक तो सरकार ने सोचना चाहिए भी इनके न्याय के बारे में जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए, आम आदमी परेशान ना हो और हम ये कर दें तो अच्छा है, लेकिन यह सरकार ने और समस्या बढ़ा दी, तो इससे नाराजगी तो जायज है। फिलहाल तो यह वीडियो इतनी है, लेकिन अभी इस मामले में और क्या क्या नई समस्याएं आऊंगी, वे डेट अपडेट आपको करते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।